affected. How can the world community stay quiet? वजीर कल दुनिया भर के सामने कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। वजीर आजम का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगु। कश्मीर हमारी रूह का हिस्सा है। कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावद कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के वफ़द की सिपाही सालार से मुलाकात। मसला कश्मीर वहां के आवाम की ख्वाहिशात और अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा सफारती महाज पर सरगरम। शाह महमूद कुरैशी की तुर्की, यूएई, कतरी, सऊदी और अर्जेंटीना के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें मकबूल आलमी बरादरी की तरफ देख रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगु खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरक काविशें जारी रखने का भी आज़्म। सार्क वज़रा काउंसिल के इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय हममनसब के साथ बैठने से इनकार। पाकिस्तान ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। शाह महमूद नहीं हो सकती। कौमें बदउनवानी की वजह से तनजुली का शिकार होती हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मलेशिया मुश्तरक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली से आबादियों को नुकसान पहुँच रहा है। आइंदा 5 साल तक 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया है। मकबूजा कश्मीर में कातिल मोदी की दरिंदगी। जनरल असेंबली में भारतीय वजीर आजम के खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। जनरल असेंबली के सामने सिख बरादरी का एहतजाज। कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लगी डिजिटल क्लॉक भी भारतीय मजालिम का मंजर पेश करने लगी। लंदन में भी मुशायरे। सोशल डेमोक्रेटिक तंजीम को खत लिख दिया। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज खत का मतलब। इंसानी हकूक की पामाली पर आवाज उठाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया में कश्मीर की आवाज बन रहे हैं। यूएन करारदादों के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई हुमायूं अख्तर की आज न्यूज के प्रोग्राम जी पर गरीदा में गुफ्तगू। कल वज़ीर आज़म मुनासिब तकरीर करेंगे। रहनुमा नूली खुर्रम दस्तगीर खुर्रमी। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे और लूटी गई रकम की वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं। गरीब मुल्कों से पैसा लूट कर अमीर मुल्कों में ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में मुकालमे में गुफ्तगु। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात। हमजा शहबाज और मरियम नवाज के खिलाफ केसेस से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। आजाद कश्मीर फिर जलजले से लरज उठा। 4.4 शिद्दत के जलजले से 65 अफराद जख्मी। मरने वालों की तादाद 39 हो गई। 700 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का आखिरी मुतासर शख्स की बहाली तक काम जारी रखने का ऐलान। कराची में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन। भैंस कॉलोनी और कोरंगी से खातून समेत 7 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। दुनिया को आगाह करेंगे। वजीर आजम का खिताब आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे नेशनल पॉइंटेड। हाउ कैन द वर्ल्ड कम्युनिटी स्टे क्वाइट। वजीर आजम का मिशन कश्मीर जाग करेंगे। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 8 मिलियन पीपल इन एन ओपन जेल is unprecedented in this day and age. And then this nonsense that this is a part of India, so the world should stay out. General Assembly इजलास में वजीर आजम इमरान खान दुनिया को इंसानी हुकूक की सख्त। बीजेपी गवर्नमेंट that they will change the demography of Kashmir. The biggest worry is what happens once the curfew is lifted.
we fare with 900,000 soldiers there, there will be a massacre. And that's also what we are trying to tell the world community, that they must act on it. अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में वजीर आजम का खिताब 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान आज भी न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। वजीर आजम की कयामगाह के सामने मौजूद हैं इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी तारिक चौधरी, उनसे तफसीलात जानेंगे। तारिक, बताइएगा आज वजीर आजम की क्या मसरूफियात रही हैं और क्या रहेंगी? जी, मैं सब मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल के सामने, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्याम पज़ीर हैं। आज भी उनकी मसरूफियात से भरपूर दिन जो है वो जारी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुछ मसरूफियात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। उनकी इंडोनेशिया के नए सदर से मुलाकात हो चुकी है, रूस के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात भी हो चुकी है। इसके अलावा जो उन्होंने एक फाइनेंस ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का, उसके इजलास में भी पार्टिसिपेशन कर ली है। इसके अलावा उन्होंने जो अफ्रीकन यूनियन के अफ्रीकन कमीशन के हेड हैं उनसे भी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें मसला कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा आज उन्होंने एशिया सोसाइटी से भी खिताब करना है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कुछ इन्वेस्टर्स और जो लोकल लीडर हैं उनसे भी उनसे मुलाकात है, उनके साथ एक क्वाइट लंच है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने आज SNBC को इंटरव्यू दिया बड़ा तफसीली, जिसमें उन्होंने जितने भी इशूज़ हैं ख़ासतौर पर मसला कश्मीर है उसके हवाले से अपना नुकता नज़र का इजहार किया है। आज उन्होंने बहुत बड़ा जो तजारती ग्रुप है एक्जोन, उसके CEO से मुलाकात करनी है। इसके अलावा AKD से मुलाकात भी है, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर से भी आज उनकी मुलाकात है। और इसके अलावा उन्होंने जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दो मुख्तलिफ ग्रुपों में सरमायाकारों से भी बातचीत करनी है। आज का दिन जो है उनका छठा दिन है यहाँ न्यूयॉर्क में क्याम का। कल सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, कल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उससे अपना की नोट एड्रेस करना है, जिसमें वो कश्मीर के सफीर बनकर, कश्मीर का पैगाम बनकर, कश्मीर की आवाज़ बनकर खिताब करेंगे। कल का जो इजलास है उसके हवाले से बड़ी जो है तजस्स है, और बहुत सारी दुनिया, सारे जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर जो है क्या कहने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमरीकी सदर मकबूजा कश्मीर का मसला हल करवा सकते हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका का भारत पर असर रसूख है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद को भारत ने यह कमाल बनाया हुआ है, कोई भी अकलमंद इंसान एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुमकिन है तुम ही कहो, कश्मीर के सुलगते चनार और अख्वामे आलम की बेहिसी, कश्मीर का मसला हल तलब मसाइल में सरे फहरिस्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सिफारती फोरम अख्वामे मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम रहा है। तनाज़े कश्मीर पर अख्वामे मुत्तहिदा की करारदादें कब और कैसे मंजूर हुई, ये जानेंगे साथी एंकर इमरान सुल्तान से। मसला कश्मीर को अक्वामे मुत्तहिदा के तनाजुर में देखते हैं। 1947 पार्टीशन के वक्त ही मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार पाया। उसके बाद 1948 जनवरी 1948 पहली बार मसला कश्मीर अक्वामे मुत्तहिदा के एजेंडे पर आया और 17 जनवरी 1948 पहली करारदाद मंजूर की गई और दोनों ममालिक के नुमाइंदों को बयाना देने से रोक दिया गया। मजीद आगे चलते हैं और फिर उसके बाद 20 जनवरी यानी सिर्फ 3 दिन बाद 3 रुकनी कमीशन बनाने की तजवीज दी गई, एक भारत, एक पाकिस्तान और तीसरा रुकन दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से मुंतखब करने के लिए कहा गया। इस कमीशन का काम सलामती काउंसिल को मुश्तरका खत के जरिए खत्ते में अमन कायम करने के लिए सिफारिशात देना था। तारीख का पहिया आगे बढ़ा, 21 अप्रैल 1948 खुसूसी कमीशन के अराकीन की तादाद बढ़ाकर 5 कर दी गई और साथ ही यह हिदायत भी दी गई कि कमीशन खित्ते में जाकर अमन बहाल कराए और अक्वामे मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तस्वाबे राय मुनाकिद कराए। 1951 सर ओवन डिक्सन ने इस्तस्वाबे राय के निकाद में हायल इख्तलाफात बयान किए और न सिर्फ इख्तलाफात बयान किए बल्कि अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया। लेटर ऑन 10 नवंबर 1951 अक्वामे मुत्तहिदा के मंदूब फ्रैंक ग्राहम ने सलामती काउंसिल से खिताब किया। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुलाने, तनाज़े कश्मीर को बाहमी रजामंदी से हल करने और अक्वामे मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी इस्तस्वाबे राय के क़याम पर रजामंद हो गए हैं। लेटर ऑन 1957 सलामती काउंसिल गनार जारंग ने रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान और भारत को पुरअमन रहने की
हिदायत की, जिसके बाद आगे चल के 1965 में अक्वामे मुत्तहदा ने तकरीबन 5 अलग अलग करारदादें मंजूर की और साथ ही साथ जंग बंदी के हवाले से भी कहा कि दोनों ममालिक अपनी फौजों को 5 सितंबर की पोजीशन पर वापस ले आए। मजीद आगे हमने देखा कि अब तकरीबन 50 बरस बाद मसला कश्मीर एक बार फिर अक्वामे मुत्तहदा और सलामती काउंसिल के एजेंडे पर आया, लेकिन सद अफसोस के माजी की तरह इस मर्तबा भी ये सिर्फ एजेंडे तक ही महदूद रहा। इसके हतमी और देरपा हल के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीर इंतहाई संगीन मसला है, इसके हल के लिए जो बन पड़ा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीरे आज़म से अलहदा अलहदा मुलाकातों में भी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। इमरान खान और मोदी से अलग अलग मुलाकातें की हैं। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से इख्तलाफात खत्म करने पर जोर दिया है। दोनों एटमी ताकतें हैं, इख्तलाफात मज़ाकरात से खत्म करें। सिपहसालार ने वाज़े कर दिया है कि कश्मीर हमारी रूह का हिस्सा है, कश्मीरियों को कभी मायूस नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर के तलबा से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिश और अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जानबूझकर आजाद कश्मीर के बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने लोगों को कैद किया हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह वाजे कर दिया कि पाक फौज कश्मीरियों के साथ खड़ी है, उन्हें कभी मायूस नहीं करेगी।